जोधपुर में वकील की हत्या और इसके बाद प्रदेश में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर झुंझुनू के चिड़ाव में वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी है। आज एक बार फिर 2 दिन के अवकाश के बाद जब कोर्ट खुला तो सभी वकीलों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विनोद डांगी तथा पूर्व सचिव लोकेश शर्मा ने कहा कि जोधपुर में हुई वकीलों की महापंचायत में फैसला हो चुका है कि जब तक प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा तब तक शैक्षिक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लगातार वकीलों पर हमले हो रहे हैं लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है। लेकिन इस बार वकीलों ने भी आर पार की लड़ाई का फैसला ले लिया है। इस प्रदर्शन के बाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल चाहर की अध्यक्षता में वकीलों की बैठक हुई जिसमें विधानसभा घेराव में शामिल होने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि लगातार कार्य बहिष्कार के चलते अकेले चिड़ाव में एडीजे एमजेएम और एसडीएम कोर्ट में रोजाना के 600 मुकदमे प्रभावित हो रहे हैं। वहीं 200 से ज्यादा मुकदमे इन कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे हैं। समय पार होने वाले मामले भी अब परिवादियों को खुद कोर्ट में पेश करने पड़ रहे हैं लेकिन उनमें न तो बहस हो पा रही है और न ही कोई प्रक्रिया शुरू हो पा रही है। इधर वकीलों के आंदोलन का विधिक कार्य से जुड़े अन्य सेवा डीड राइडर टाइपिंग वाले नोटरी पब्लिक आदि ने भी समर्थन दे दिया है जिससे लगभग कोर्ट का पूरा काम प्रभावित हो गया है। बार एसोसिएशन चिड़ावा की ओर से हम लोगों ने बैठक की है कि एक राज्यव्यापी आंदोलन और हमारी संयुक्त मांग जो है वो पिछले कई वर्षों से लंबित है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू करने की मांग है। हम लोग इसके लिए पूरे राजस्थान के जो वकील है ये आंदोलनरत हैं। पिछले दिनों जोधपुर में हमारे साथी वकील की हत्या हो गई थी और इस बार कई बार पैरवी के दौरान पैरवी जो वकील करते हैं वो उस तब सामने वाला पक्ष है वो बदले की भावना से और वकीलों के ऊपर हमले करने की आशंकाएं बनी रहती हैं, कई जगह हो भी गए हैं। इस बातों को रोकने के लिए सभी स्टेट के सारे वकीलों का ये एक मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। विधानसभा चल रही है इसलिए हमारे जो पूरे राजस्थान के वकीलों ने आह्वान कर रखा है, बार काउंसिल ने भी कर रखा है कि हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो काम रोक के और संगठित होकर करेंगे जो हमारा चालू है। और हमारे को जो मैसेज आया है कि हम वहाँ विधानसभा का घेराव भी करेंगे और यहाँ से भी हम वकील जाएंगे, तो ये एक जायज मांग है। और इसमें हमें स्टाम्प वेंडरों ने, रजिस्ट्रेशन टाइपिस्ट, हमारे जो लीगल काम से जुड़े हुए सभी लोगों का समर्थन जो है वो हमें लगातार मिल रहा है। कुछ लोग ऐसी बातें उड़ा रहे हैं कि वे कोई कॉम्प्लेक्स कैसी है, किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्स कैसी वकीलों के आंदोलन में न तो पहले कभी थी और न आगे रहेगी। हम लोगों ने निर्णय लिया, हम रैली निकालेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और जयपुर जाएंगे। की मीटिंग में निर्णय ये लिया है कि यहाँ हम चिड़ावा कोर्ट परिसर में रजिस्ट्रेशन और टाइप का कार्य और अन्य नोटेरी और स्टाम्प वेंडरों ने सबने समर्थन दे दिया, इसलिए यहाँ कोई काम नहीं होगा, किसी प्रकार का काम नहीं होगा, यहाँ पे कोई लीगल काम नहीं होगा और पूरे जिले में नहीं हो रहा है। पंचायत हुई रविवार को, वो राजस्थान के अधिवक्ता संघर्षों को लेकर आज तक की ऐतिहासिक महापंचायत हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि जब तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है तब तक राज्य सरकार के विरुद्ध जो भी हमें कार्रवाई करनी पड़े, जो भी हमें हमारी जायज मांग को लेकर हम जो आंदोलन कर रहे हैं, जो हमारा नारा है कि हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, उसी के अनुरूप और जो सबसे अंतिम काम संगठन आंदोलन के दौरान करते हैं विधानसभा घेराव, वो राजस्थान के अधिवक्ताओं ने सबसे पहले करने का निर्णय लिया है। और ये भी निर्णय लिया है कि आज जयपुर में संघर्ष समिति की मीटिंग चल रही है, 3 बजे से मीटिंग है, उसके पश्चात ये तय किया जाएगा कि किस दिन हमें जयपुर विधानसभा घेराव के लिए कूच करनी है। तब तक के लिए हम हमारे अध्यक्ष कपिल जी चार के नेतृत्व में ये चिड़ावा बार का ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन है जिसमें सभी संगठनों ने, हमारे ही जो अंग हैं, जैसे डीड राइटर्स हैं, नोटेरीज हैं, स्टाम्प वेंडर्स हैं या अन्य टाइपिस्ट जो हैं, वो भी हमें मन से और अपना समर्थन दे रहे हैं ताकि हमारी जायज मांग पूरी हो, क्योंकि अधिवक्ता को आए दिन जो हानियां उठानी पड़ती है न्याय दिलाने के क्रम में, खुद के परिवार और स्वयं पर क्षति उनके लगातार बनी रहती है, उससे बचने के लिए और अपने हितों की सुरक्षित रखने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, ये हमारे पावन और पवित्र काम में
हम कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे और मीडिया से भी हम निवेदन करते हैं कि हमारी बात, हमारी जायज मांग अधिक से अधिक राज्य सरकार तक पहुंचाई जाए, जिससे कि हम इस आंदोलन में हमारा जायज हक लेकर इस आंदोलन को सफल बनाएंगे।